शयन नंद सहा परम तत्ते पद विंद पौ नमियो सिद्ध सुभाव गुरु वेशि गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म ज्योत जिन वर हम अर्थ त्यर्थ है जो भय विनाश भवि जो मुनौ ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्मितकम् प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं साम्यकिदर्शने त्वं सम्यक्ति चरणं चेतन्निरूपं बोलिए शमेश थात्मि देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। देशना की जय हो जय हो जय। जिनेन्द्र परमात्मा का शुद्ध उपदेश भैया क्या है? जिनेन्द्र परमात्मा का शुद्ध उपदेश कितना विराट कितना विशाल है। क्या है भैया? कि इस सर्वलोक को प्रकाशित करने वाला इस तीनों लोकों में जो स्वयं स्वयं अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत तीनों लोकों में जो प्रकाशित होने वाला अर्थात तीनों लोकों को अपने ज्ञान में झलकाने वाला जो आदि अनादि शुद्ध स्वरूप है वो ही तेरा स्वभाव। देखो तो आचार्य भगवंतों की कृपा देखो आप तो आज सिर्फ इस बात का बहुमान करो। आचार्य भगवंतों की कृपा देखो अभी जीव 1 किलोमीटर नहीं देख पा रहा, 4 बातें याद नहीं रख पा रहा। अपनी शक्ति कितनी है? 4 बातें याद नहीं रह रही, 1 किलोमीटर देखने की शक्ति नहीं है, पहले क्या घटा था याद नहीं रह रहा। और सर्व भगवान क्या कह रहे हैं? सर्वज्ञ जिनेन्द्र क्या कह रहे हैं? ये लोकालोक को सर्वलोक को प्रकाशित करने वाला अनंत अतीन्द्रिय आनंद का पुंज यह जीव आत्मा स्वयं परमात्मा अर्थात केवल दर्शन ज्ञान स्वभाव का धारी है। अब जिनेन्द्र परमात्मा से कहो यह जिनेन्द्र परमात्मा भी 2 किलोमीटर देख नहीं पा रहे हम और आप कह रहे हो तीनों लोकालोक का जानने वाला। अभी हमें दो दो घड़ी का तो याद नहीं रह रहा, 2 पल का तो स्मरण नहीं रह रहा। आप कह रहे तीन लोक तीन काल के समस्त द्रव समस्त गुणों समस्त पर्याय जिस अनंत केवल ज्ञान में झलक रहे हैं वह ब्रह्म स्वरूपी आद्यम अनादि शुद्धम वो ब्रह्म स्वरूपी आदि अनादि शुद्ध तेरी सत्ता है। अब सर्व भगवान से आप कहो सर्वक परमात्मा अभी हमें 2 घड़ी का याद नहीं रह रहा, 1/2 किलोमीटर देख नहीं पा रहे हम, 4 शब्द सुन नहीं पा रहे हम, अभी हमारी पर्याय में वर्तमान पर्याय में अभी 2 घड़ी का स्मरण करने की ताकत तो है नहीं। अभी सामने चलने वाले परिणमन को तो गायक रूप हम देख नहीं पा रहे, वो परिणमन से तो हम भिन्नता ला नहीं पा रहे। सामने वाली चलने वाली पर्याय को हम जो देख रहे हैं वो तो याद नहीं रह नहीं रही। और आप हमें कह रहे हो कि सर्वलोकालोक का तीनों लोकालोक का प्रकाशक समस्त द्रव्य गुण पर्याय को झलकाने वाला अनंत केवल ज्ञान दर्शन स्वभावी लोकालोक में अस्तित्व रूप विद्वान आद्यम अनादि शुद्धम आद्यम अनादि शुद्धम वो अनादि अनंत शुद्ध परमात्मा सत्ता मैं हूं। क्या सर्वक परमात्मा आप तो हमारा मजाक उड़ा रहे हो ना?
क्या सर्वज्ञ देव, आप तो क्या कर रहे हो, आप आपको कोई काम नहीं है इसलिए आप तो मजे ले रहे हो हमारे, आप तो क्या कहते हैं हमारा उपवास कर रहे हो, क्यों क्यों भैया तुम्हें ऐसा क्यों फीलिंग हो रही है? कहा भैया क्योंकि अभी हमें जरा सा याद नहीं दे रहा, जरा सा दिख नहीं रहा, हम जरा सा कर्मों में तो स्थिर नहीं रह पा रहा है, हम जरा में तो इधर उधर डोल रहे हैं, हमारे अज्ञानता में बह रहे हैं, हम जरा में तो ऊंचे नीचे हो रहे हैं सर्व भगवान, और आप कह रहे हो कि तीनों लोक का नाथ है, सर्वज्ञ स्वरूप ही है, केवल दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला है, सर्व विश्व को प्रकाशित कर रहा है, तीन लोक तीन काल का परिणाम तेरे ज्ञान के गेह रूप झलक रहा है, किंतु असीमित अनंत ज्ञान में सत्ता है, आप कह रहे असीमित अनंत ज्ञान में सत्ता है और हमें तो एक पल का याद नहीं रह रहा, बताओ भैया बताओ, अच्छा क्या क्या है ये सर्व भगवान हमें मजे ले रहे हैं क्या? सर्व भगवान हमें मजे ले रहे हैं क्या? समय सर्व भगवान कॉमेडी कर रहे हैं क्या अपने साथ? सर्व भगवान क्या अपने साथ मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं क्या? कि सर्व भगवान आप मस्ती कर रहे हो हमारे साथ, ठिठोले कर रहे हो, क्यों 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 ऐसा क्यों लग रहा है भैया? का भगवत सर्वदेव हमें जरा सा सुनाई नहीं दे रहा, जरा सा दिखाई नहीं दे रहा, आंखों को भरोसा नहीं, कान को भरोसा नहीं, आयु को भरोसा नहीं, हमें जरा सा दिखाई समझ में नहीं आ रहा, हम तो अपने घर मकान परिवार को अपना मान मान के मरे जा रहे, धन दौलत डोर डोर के जोड़ जोड़ के मरे जा रहे, और आप कह रहे तीनों लोगों के नाथ हो, हम अपने मकान का ना, हम अपने मकान में रह के अपने मकान का नाथ तो हो नहीं पा रहे, मर जाएंगे, छोड़ के जाना पड़ेगा, अहंकार में मरे जा रहे हम तो अपने, और आप कह रहे त्रिलोकी नाथ हो। गुरु महाराज पूछ लो अच्छे से, गुरु महाराज मजाक तो नहीं कर रहे कहीं? लोरी तो नहीं सुना रहे कहीं, कहानी तो नहीं सुना रहे कि तू त्रिलोकी नाथ है, तू सिद्ध स्वरूपी है, तू केवल ज्ञान का प्रकाशक है, तू स्वयं सिद्ध शुद्ध परमात्मा है, ऐसे अनंत सत्य को आप, ऐसी अनंत दिव्य देशना में आपका जो सत्य आ रहा है, ऐसा जो परम जिन भगवान के वचनों में जो ऐसा अतीन्द्रिय आनंद का उद्घोष हो रहा है, ए भगवान गुरु महाराज आप हमें बता रहे हो तो कहीं आप तो हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे कहीं? तू स्वयं भगवान कह रहा, तू स्वयं भगवान कह रहा, तू स्वयं भगवान कह रहा, जिन्हें भगवान कह रहे आद्य मनादि शुद्धम आद्य मनादि शुद्धम, कहीं हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? जीव की दशा सही में ऐसे ही है, उसे ऐसे लग रहा है कि जिन्हें भगवान की वाणी जो है, जिन भगवान के जो वचन है, अरे भैया ये तो ज्ञानी की दशा है, ये तो गुरु महाराज की दशा है, ये तो जिनेन भगवान की बात है, ये तो जिनेन भगवान को दिखाई दे रहा है, ये तो हमारे लिए तो भैया मजाक ही है एक तरीके से। कहा है भैया तुम्हें मजाक काहे लग रहा हो? तो हमें मजाक इसलिए लग रहा हो क्योंकि हमें कछु दिख ही नहीं रहा हो ऐसा। तो भैया तुम्हें कछु दिखाई नहीं रहा हो इसका अर्थ ये है कि तुम्हारी पूर्ण दृष्टि पर्याय में, इसलिए तुम्हें मजाक लग रहा है। बहुत गहरी बात कह रहा है, तुम जीवन में पागलों की तरह घूमोगे ना तो भी ये बात तुम हजम नहीं कर पाओ। तुम्हारी दृष्टि पर्याय परिणाम से पार नहीं है, तुम्हारी दृष्टि अभेद तिंकोत्कीर्ण गाया ज्ञान स्वभाव पे नहीं है, तुम्हारी दृष्टि परम सत्य को लखना नहीं जानती, तुम्हारे हृदय में परम पारणामिक अभेद तिंकोत्कीर्ण गाया ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा नहीं है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारी बात नहीं है, तुम्हारे साथ मजाक हो रहा है, ये जिन वचन तुम्हारे लिए नहीं है, ये जिन वचन तुम्हारे हृदय में नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि जिन वचन उनके हृदय में जाएंगे जो आद्य मनोवादी सत्यम, जो सत्य में इस सत्य के अनुभव में अपने आत्मा में किल जाएंगे, किले ही अपने साहबा जिन वैनम जयवंतम, जिन वैनम जयवंतम, जिनके अंदर से ऐसे जिन भगवान के वचनों की जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है, जिनके हृदय में जिन भगवान के वचन जयवंत है, ऐसी गहन स्वीकारता है जिनके हृदय में होगी, उन्हें उन्हें ये बात हजम होगी, हजम होगी अर्थात उनके श्रद्धा ज्ञान के आचरण में आएगी ये बात, उनकी प्रतीति में आएगी, अहो अहो हाँ जैसा सर्व भगवान ने कहा है वैसा तीनों लोक का स्वामी जिन नाथ प्रभु सर्वलोक और सर्वलोक सर्वलोक और सर्व जितने भी पदार्थ हैं उनके द्रव गुण पर्याय को जानने वाला, एक समय में जानने वाला, वास्तविक वास्तविक परिपूर्ण अनंत केवल ज्ञान में स्वरूप में वास्तविक में वास्तविकता में वास्तविकता में अनंत केवल ज्ञान में स्वरूप हूँ, मैं वास्तविकता में सिद्ध स्वरूपी परमात्मा, तीनों लोक अलोक को, तीनों लोक अलोक को
जानने वाला, तीनों लोका लोक को देखने वाला, तीनों लोका लोक जिसमें झलक रहे हैं, तीनों लोक और अलोक जिसमें प्रकाशित हो रहे हैं, इन तीनों लोकों को जानने वाला, देखने वाला, इन तीनों लोकों को बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अपने केवल ज्ञान में झलकाने वाला, मैं वो अतीन्द्रिय शुद्ध स्वरूपी परमात्मा। भैया आप इतने बड़े सत्य को कह रहे हो, हमारी कहा छोड़ो, अब आचार्य भगवान तारण स्वामी कह रहे हैं आद्य मनादि शुद्धम, इतने विराट सत्य को कह रहे हैं आद्य मनादि शुद्धम, इतने विराट सत्य को कह रहे हैं आदि अनादि शुद्ध, ऐसे विराट सत्य को दर्शा रहे हैं। तो भैया अब जिनेन्द्र परमात्मा जब ऐसे आदि अनादि शुद्ध मई ऐसे विराट सत्य को दर्शा रहे हैं, आपन का कह रहे हैं, अरे गुरु महाराज अभी हमारी ऐसी दशा कहाँ अरे गुरु महाराज अभी हमारी ऐसी दशा कहाँ। हाँ तो पर्याय दृष्टि में हो तुम पर्याय दृष्टि में हो तुम, स्त्री पर्याय पुरुष पर्याय में वर्तमान मन बुद्धि चित्त अहम से जो कर्मों का उदय मिला है वो संकुचित बुद्धि में कैद हो तुम, संकुचित बुद्धि में कैद हो, संकुचित मन के परिणमन में कैद हो, संकुचित मन के वचन काय के परिणमन में कैद हो तुम, संकुचित मन वचन काय के परिणमन में कैद होने से अपनी मिथ्या मान्यताओं के बंधन में होने के कारण से, अपनी मिथ्या धारणाओं से संकुचित मन की दशा में संलग्न होने के कारण से, सत्य है कि तुम इसे ऐसे विराट जिंदर भगवान जो परम सत्य दिखा रहे हैं कि आद्य अनादि शुद्धम, जो विराट सत्य दिखा रहे हैं कि आद्य अनादि शुद्धम, आद्य अनादि शुद्धम, आद्य अनादि शुद्धम, आत्मा अनादि से अनंत तक शुद्ध ही है, जो विराट सत्य दिखा रहे हैं, जो विराट सत्य दर्शा रहे हैं वो आपकी दृष्टि में आ ही नहीं रहा भैया। ये जो विराट सत्य दिखा रहा है, ये जो विराट सत्य दर्शा रहा है वो हमारी दृष्टि में क्यों नहीं आ रहा। वो तुम्हारी दृष्टि में इसलिए नहीं आ रहा, वो तुम्हारी नजरों में इसलिए नहीं झूल रहा, क्योंकि क्योंकि बहुत अच्छे सुनो, वो तुम्हारी नजरों में इसलिए नहीं झूल रहा क्योंकि तुम्हारी नजर में एक समय की पर्याय झूल रही ना, इसलिए नहीं झूल रहा। तुम जिन भगवान के वचनों के श्रद्धानी नहीं हो ना, तुम जिन भगवान के वचनों में अभेद नहीं हो ना, तुम्हें जिन भगवान के वचन जयवंत है सिरोधार नहीं है ना, तुम्हें आद्य अनादि शुद्धम का अनुभव नहीं है, तुम आद्य अनादि शुद्धम के अनुभव से हीन हो, तुम आद्य अनादि शुद्धम के अनुभव से रहित हो, तुम आद्य अनादि शुद्धम की सत्ता को जानते नहीं हो, तुम आद्य अनादि शुद्धम की सत्ता को जानते नहीं हो, आद्य अनादि शुद्धम की सत्ता को ना जानने के कारण, आद्य अनादि शुद्धम की सत्ता को ना पहचानने के कारण तुम्हारा तुम्हारा जो उपयोग है, तुम्हारा जो हृदय है वो अनंत परम सत्य के अनंत अनंत अमृत को, अनंत परम सत्य की जो अनंत अनंत गहन देशना है उसको पी नहीं रहा। वो तुम्हारा उपयोग कायम लगा, भाई इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, संसार में ऐसा कर दे, संसार में ये हो गया, संसार में वो हो गया, एक एक समय के परिणमन में जो घट रहा है शुभ अशुभ का परिणमन, हे आत्मन तेरे लिए वो ही सत्य है। इसलिए सर्व भगवान की अभेद तिंकोत्कीर्ण में जय जयवंतकारी, अनंत सुखकारी, अनंत मंगल को जन्म देने वाली ऐसी दिव्य देशना, जिन भगवान का शुद्ध उपदेश, ऐसी निष्कंटक देशना, ये तुझे रुचिकर नहीं लग रही, मनोरंजन वाली चर्चा अच्छी लग रही है, मन का रंजायमान जहाँ हो रहा है, मन को रस जहाँ मिल रहा है वो मनोरंजन वाली देशना अच्छी लग रही है, और जहाँ जय जय जयकार है, जय जयकार है, जय जयकार है, जिन वयन जयवंत हैं, जिन वयन जयवंत हैं, जहाँ एक अभेद तिंकोत्कीर्ण अभेद ध्रुव 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 त्रिकाली के अलावा और कोई सत्ता की वो नहीं है, और कोई सत्य की बात ही नहीं है, ये जो जहाँ और कोई सत्य की बात ही नहीं है, तुझे ये सत्य की चर्चा अच्छी नहीं लग रही, तुझे ये स्वरूप की चर्चा अच्छी नहीं लग रही। भैया क्यों हमें ये स्वरूप की चर्चा क्यों अच्छी नहीं लग रही, भैया हमें ये निष्कंटक देशना अच्छी क्यों नहीं लग रही, तुम्हें ये निष्कंटक देशना, ये अभेद देशना, ये गुरु महाराज की वाणी आद्य अनादि शुद्धम, अरे जिन वैनम जयवंतम, ये सद्गुरुदेव की वाणी, ये आचार्य भगवान की वाणी हमें क्यों नहीं रुच रही भैया, हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि वो कह रहे हैं आदि अनादि शुद्ध है, सर्वक स्वभावी है, तीनों लोक का ज्ञाता दृष्टा है, समस्त पदार्थों को जानने देखने वाला है, और अभी इसी समय स्वसमय रूप शुद्धात्मा रूप प्रकाशित हो रहा है, और ये जो मन वचन पर का काय का जो परिणमन चल रहा है ये सब छीण हो जाने वाला है, इस मन वचन काय के परिणमन में तेरा कुछ है ही नहीं। भैया हमें ये सत्य क्यों नहीं लग रहा,
हाँ तुम्हारी दृष्टि पर्याय पे है ना, इसलिए तुम्हें परम सत्य सत्य नहीं लग रहा, इसलिए तुम्हारी रुचि नहीं लग रही इस सत्य में, इसलिए तुम्हारा हृदय स्वीकार नहीं कर रहा है सत्य को, इसलिए तुम्हारी अंतरात्मा इस सत्य में लीज नहीं रही। तुम्हारी अंतरात्मा इस अपने सर्वज्ञ स्वभाव के लिए नृत्य नहीं कर रही कि जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, जिन भगवान के वचन जय बनते हैं, जिनेन्द्र भगवान की वाणी जय बनते हैं, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ वीतरा जिन मार्ग जय बनते हैं, मैं तो ऐसा अनादि अनंत शब्द अनंत दर्शन केवल ज्ञान स्वभावी सुख सुख सत्ता चैतन्य बोध अपने चतुष्टय में प्राण वाला शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ, मैं तो आनंदकारी हूँ, मैं तो आनंदकारी हूँ, मैं तो आनंदकारी हूँ, चेतन लक्षण ही मेरा स्वभाव है। और ये वर्तमान अवस्था में जो घट रहा है एक एक समय में, अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं, ये तो सब मन की कल्पना है, यहाँ कुछ अपना है ही नहीं, यहाँ कुछ सत्य है ही नहीं, यहाँ कुछ सत्य है ही नहीं, यहाँ कुछ अपना है ही नहीं, यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है, यहाँ कुछ भी अपना नहीं है, यहाँ रंच मात्र भी कुछ भी सत्य नहीं है, यहाँ रंच मात्र भी कुछ भी अपना नहीं है, यहाँ सिर्फ माया है, माया है, माया है, माया है, माया है, एकमात्र माया है। और मैं इस सार पर्याय परिणमन से बिल्कुल भिन्न 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 मात्र एक निराकार ब्रह्म स्वरूपी आत्मा, मात्र एक निराकार ब्रह्म स्वरूपी आत्मा, मेरा अनंत चतुष्टय में अनंत स्वभाव है। बताओ 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 डंके की चोट पर बताओ, क्या सर्व भगवान देव जो सर्वज्ञ स्वभाव कह रहे हैं, क्या तुम अंतर आत्मा से बिना कोई वितर्क बिना कोई बुद्धि के तर्क के तुम्हारी बुद्धि कह ना पाए, ये तो बुद्धि से कह रहा है, ये भी ना कह पाए, तुम्हारा मन कोई भेद ना डाल पाए, कोई विकल्प तुम्हारे चित्त में उत्पन्न ना हो पाए, कोई संशय तुम्हारी आत्मा से उत्पन्न ना हो पाए, और तुम्हारी आत्मा एकदम निर्दोष एकदम निष्कंटक और एकदम निर्भय होकर कह दे कि हाँ जिनेन्द्र परमात्मा के वचन सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है, और मुझे अंतर हृदय से स्वीकार है कि इसी समय इसी क्षण मैं सर्व लोकालोक का प्रकाशक ध्रुव केवल ज्ञान में वीतराग स्वरूप वाला हूँ। और जो अभी वेदन हो रहा है राग का देश का कर्तृत्व का भुक्तत्व का जन्म का मरण का, ये सब भ्रम भ्रांति और माया है, मैं तो त्रिकोत्कीर्ण ज्ञान में अभे सत्ता आद्यम मनादि। हे श्री जिन भगवान के वचन की प्रीति प्रतीति 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 कि सर्वत्र आकर्ता भोक्ता मैं सिद्ध ही हूँ, सिद्धि हूँ, सिद्धि हूँ, सिद्धि हूँ, सिद्धि हूँ, सिद्धि हूँ। और ये जो एक एक समय की पर्याय एक एक समय का जो परिणमन चल रहा है, ये जो कठोरता ये मन का भय इस सत्य को कहने के बाद जो मन आकलित होता है व्याकलित होता है भयभीत होता है अंतर से हृदय कांपता है, जितने भी संचय विभ्रम भाव उत्पन्न होते हैं जितना भी भारीपन आता है इस सत्य के सामने उस सबकी कोई वैल्यू नहीं, वो सब पर्याय परिणमन है। ये तो अज्ञान संस्कार है जो मन को भयभीत करते हैं, ये तो मोह के संस्कार है जो जीव को भयभीत करते हैं, ये तो कुबुद्धि है, ये तो राग का रस है जो जीव को सत्य से भी विमुख रखता है, इस उस जिनवर भगवान की शुद्ध जिन देशना से विमुख रखता है और राग रंग के प्रपंच में लेके जाता है। जीव आत्मा हे आत्मन बोध बोधि दुर्लभ को प्राप्त कर, तेरा अनंत केवल ज्ञानमयी प्रकाशक तेरा ध्रुव त्रिकोत्कीर्ण चैतन्यमयी आत्मा तुझ में प्रकाशित हो रहा है और हो रहा है, तेरे अनंत प्रकाश में तेरी अनंत प्रकाशवान सत्ता में कोई भी वेद विरोध नहीं है। हे आस्था, अरे कहाँ भैया तुम तब भी लिखाओगे भैया राग के भाव चल रहा है मोह के भाव चल रहा है, घर गृहस्थी के कार उपयोग बट रहा है इधर उधर, कहाँ भगवान जी निष्प्रय निशंकित बिल्कुल निष्कंटक बिल्कुल निष्कंटक सिद्धो हम और शुद्धो हम कह सकते हो अंतर की अरूपी अरूपी तत्व निराकार परमात्मा ऐसे ब्रह्म स्वभाव की गर्जना से कह सकते हो कि चलने जो चल रहा है जिन गायनम जयवंतम, यहाँ तो जिनेश्वर भगवान के वचन प्रमाण है, मुझे आंखों से नहीं दिख रहा
तीनों लोक तो क्या हुआ, ये तो इंद्रियों का परिणाम है, कानों से नहीं सुनाई दे रहा तो क्या हुआ, मन वचन काय के परिणाम में नहीं दिख रहा तो क्या हुआ। लेकिन मेरे स्वभाव में तो अभी अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर का परिणाम मेरे अंदर तो ऐसे अनंत चतुष्टय का परिणाम चल रहा है। आंखों से नहीं दिख रहा तो क्या हुआ, कानों सुनाई नहीं दे रहा तो क्या हुआ। सर्व भगवान की वाणी सत्य है, सर्व भगवान के द्वारा कहे हुए सिद्धांत सत्य है। सर्व भगवान ने कहा है कि मेरे अंदर केवल दर्शन ज्ञान स्वभाव है, अर्थात मेरा स्वभाव ही केवल दर्शन ज्ञान में है। तो यही परम सत्य है कि मैं लोकालोक को जानने और देखने वाला परम प्रकाशमान चेतन में ही सत्ता हूँ। भाई मन बुद्धि अभी तर्क करेंगे तो मैं कहाँ दिख रहा लोकालोक। तो ये एक समय की पर्याय को देखने वाला, ये पर्याय परिणमन को, एक समय की पर्याय परिणमन को देखने वाला, ये मन और बुद्धि का तर्क, ये शंका का भाव असत्य है। लेकिन जिन भगवान के वचन तो सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण। नकार सकते हो मन बुद्धि के भाव को, मन बुद्धि के भाव को, अपनी समझ को, हृदय में चलने वाली शंकाओं को, होने वाले अज्ञान भाव को, होने वाली अज्ञान भावनाओं को, होने वाली राग आदि की प्रीति को, होने वाले अनाधिकारी मिथ्या प्रयोजन को नकार सकता है। एक तरफा वो भी बिना परवाह किए हुए नकारना भी, वो भी बिना परिणमन की परवाह किए हुए, परिणमन की परवाह किए हुए कि इसका परिणमन क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इससे सिद्धि होगी या नहीं होगी, इससे मुझे कुछ प्राप्त होगा या नहीं होगा, ये मुझे सिद्ध होगा या नहीं होगा, ये सारी परवाह, सारी इच्छाएं, सारी कांक्षाएं, सारी शंकाएं छोड़ के एक तरफा होके कि मैं ऐसा अखंड ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा ही हूं। कर सकते हो जिन भगवान की वाणी की ऐसी अभेद श्रद्धा, ऐसी अभेद श्रद्धा कि जिस श्रद्धा में कुछ और सुनाई ना दे, जिस श्रद्धा में कुछ और दिखाई ना दे, जो श्रद्धा परवान चढ़ गई हो अपने परमात्मा के लिए, जो परिणति उछल गई हो अपने परम पारिणामिक शुद्ध स्वरूप के लिए, जो ज्ञान निष्ठावान होके बैठा हो अपने प्रकाली परमात्मा के लिए, एक अभेदता से जानता हो कि मेरा वेदन, कल भी कहा था, अच्छे से सुनो कल की चर्चा, कि मेरा अनंत चतुष्टय का वेदन मेरी अंतर आत्मा में इस पल बरत रहा है। मेरी अंतर आत्मा, मेरी अंतर चेतना, अर्थात मैं इस समय बैठा हुआ, मैं इस समय अनंत चतुष्टय के वेदन में लीन हूं, मुझे पर पर्याय का वेदन होते ही नहीं है। ये जिन भगवान के वचन है, जिन भगवान के वचन ये है कि मुझे पर पर्याय का वेदन नहीं होता, तो पर पर्याय का वेदन किसको होता है, मन वचन का है और पदगल को। भैया तो फिर मुझे तो अभी लगता है कि मुझे हो रहा है, तुम्हारी दृष्टि उस पर पर्याय पे, तुम्हारी आस्था उस पर पर्याय पे, अरे तुम अपनी आस्था वहां से उठा लोगे तो वो वेदन फीलिंग मन वचन काय में होगी, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि वो फीलिंग मेरी है, तुम्हें वो फीलिंग, वो वेदन, वो अनुभव मेरा है ही नहीं, मेरा है ही नहीं। अंतरात्मा चीख चीख के कहेगी अंदर से कि मेरा वेदन नहीं है, मेरा परिणमन नहीं है, मेरा वेदन नहीं है, मेरा परिणमन नहीं है। अंतरात्मा अंतर हृदय कहेगा कि पर पर्याय का वेदन मेरा वेदन नहीं है, मेरा वेदन तो अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर और अनंत, मेरा वेदन तो मेरा परम पारिणामिक ध्रुव त्रिकाली ज्ञायक स्वरूप ही, मेरा वेदन तो सर्वज्ञ केवल ज्ञानी परमात्मा के समान अर्क ध्रुव प्रकाशवान निर्ग्रंथ बिल्कुल स्वशुद्ध स्वभाव में सार अपने समय सार रूप शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध अपने शुद्ध समय सार रूप ब्रह्म चेतना रूप मेरा वेदन तो शुद्ध 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 आत्मा मई है, शुद्ध आत्मा मई मेरा वेदन है, शुद्ध आत्मा मई मेरा स्वरूप है, शुद्ध उपयोग मई मेरी चेतना है, शुद्ध स्वभाव रूप मेरा चैतन्य स्वभाव है, मैं शुद्ध चैतन्य स्वभाव का स्वामी आदि अनादि, ऐसा आदि अनादि शुद्ध परमात्मा हूं। हे तुम्हारे हृदय में इतनी 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 सामर्थ्य, हे तुम्हारे अंतरात्मा में इतनी भावना
कि पर्याय परिणमन चलता रहे, लेकिन उसको कहने का भाव ही ना। पर्याय आंखों के सामने से निकलती रहे लेकिन उसमें अच्छा सुधार बिगाड़ करने का भाव ही ना। सारा जगत सामने से गुजर जाए तुम्हें किसी से बोलने का भाव ही ना आए, ये क्या है? बाहर से नहीं घटाना इसको, ये अंतर ज्ञान की स्थिति है। ये क्या है? ज्ञान उपयोग के सामने से सारा पर्याय परिणमन निकल रहा है, लेकिन ज्ञान को अपने स्वभाव का अटूट विश्वास है, अटूट विश्वास है, अटूट श्रद्धा है, अकंप श्रद्धा है। और ऐसी अकंप निश्चल श्रद्धा होने से ये सारा पर्याय परिणमन, ये सारी पर्याय की धारा बह रही है परिणमन के रूप में निकल रही है, और उस ज्ञान को एक क्षण के लिए भी कोई प्रभाव, एक क्षण के लिए भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ज्ञान अपने ज्ञान गायक में ही बिलस रहा है, ज्ञान अपने ज्ञान गायक में ही बिलस रहा है। ज्ञान में ही बिलस रहा है। चैतन्यमय ज्ञान में, चैतन्यमय ज्ञान, ज्ञान पिंड परमात्मा ही हो, इतनी आस्था है, इतना विश्वास। हृदय से आत्मा बोले किस दिन मानेंगे, शब्दों से बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि जिस जीव के अंदर में विश्वास जागृत हो जाता है ना, उसके साथ अतिशय घटने लगते हैं, बहुत सारे अतिशय, बता नहीं सकते हैं कौन कौन से अतिशय घटते हैं, बहुत सारे अतिशय घटते हैं, ज्ञान के अतिशय घटते हैं, बहुत अनंत अतिशय घटते हैं, अद्भुत, बहुत अतिशयकारी, बहुत आनंद की दशा होती है। भगवान जी, ये जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा है, ये अनंत वीर छलकता है उसके अंदर से, इतने से ही समझ जाओ कि अनंत वीर छलकता है उसके अंदर से, अनंत शक्तियों का पुंज छलकता है उसके अंदर से, किसी पर्याय परिणमन से कोई प्रभाव नहीं होता। अब ये मन वचन का है, उसके परिणमन को मत देखना, उसके ज्ञान में कोई प्रभाव नहीं आता, ज्ञान में प्रभावितपना नहीं आता, अनंत शक्तियाँ छलकती हैं, अनंत आनंद छलकता है उसके अंदर, अनंत अनंत चतुष्टय छलकता है उसके अंदर। अरे ऐसे ही थोड़ी ना हुई सुख सत्ता चेतन प्राण की चर्चा, अनंत सुखमय मेरी सत्ता, हाँ, अनंत सुखमय मेरा स्वरूप, अनंत अस्तित्ववान सत्ता मेरा प्राण, अनंत ज्ञान में मेरा बोध, ओहो अनंत चेतन परम आनंद में मेरा परम पारणामिक ध्रुव स्वभाव, अनंत परम पारणामिक मेरा ध्रुव स्वभाव, परम अतीन्द्रिय आनंद में बरसती हुई मेरी निर्ग्रंथ निष्प्रय ध्रुव चेतना, मैं ध्रुव त्रिकाली, मैं चैतन्य आनंद का पिंड ध्रुव त्रिकाली, मेरा किसी पर पर्याय परिणमन से कोई संबंध नहीं, मेरा किसी पर पर्याय परिणमन से कोई संबंध नहीं है। मैं पूर्ण शुद्ध ध्रुव ज्ञायक ज्ञान स्वरूपी त्रिकाली परमात्मा, इतना विश्वास है, इतनी आस्था। भगवान जिस समय इतनी अंतर हृदय से, इतनी अंतर भावनाओं से आपके हृदय में आस्था होगी ना, जिस दिन इतनी अंतर हृदय से, अंतर आत्मा से आपके हृदय में भावना होगी ना, अपने आत्म स्वभाव की, अपने चैतन्यमय स्वभाव की, भगवान उस दिन समझ में आएगा आपको। ये उस दिन क्या समझ में आएगा? उस दिन समझ में आएगा कि भगवान चेतन प्राण किसे कहते हैं, सुख प्राण किसे कहते हैं, सत्ता प्राण किसे कहते हैं, बोध प्राण क्या है। ये आत्मा की जागृत चेतना है, चैतन्य शक्ति है, आत्मा का अद्भुत अतुलित वैभव है, ये अंतर से उदित होगा भगवान जी। इसलिए विश्वास करके बताओ, ये क्या विश्वास करना है? सर्वज्ञ देव कह रहा है जैसा उनका ज्ञान निर्ग्रंथ है, जैसा उनका ज्ञान वीतरागी है, वैसे ही तुम्हारा ज्ञान निर्ग्रंथ और वीतरागी है। वो पर पर्याय को स्पर्श नहीं करता। जैसे सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान निर्दोष है,
निर्दोष है, सर्व कर्म कालिक माँ से रहित है, ममल है, अपने ही पूर्ण रूपी निराकार स्वभाव में, अपने ही सर्वज्ञ स्वभाव में पूर्ण यातत्व दृष्टा रूप है, पूर्ण प्रकाशवान केवल ज्ञान सूर साम अनंत अर्कविंद स्वरूप है, अनंत अर्कविंद स्वरूप है। जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा का ज्ञान अनंत अर्कविंद स्वरूप है, अनंत कोण करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाशित परम चैतन्यमय स्वभाव वाला है। गुरु माई तो फूल नहीं दी है, जिनु अपने रंग मंदिर में कोण अनंत उत्पन्न भयो, करोड़ों सूर्यों से ऐसा प्रकाशित, करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाशित, ऐसा केवल ज्ञानमय वैसा जैसा सर्वज्ञ देव कह रहे हैं, वैसा ही प्रकाशवान ज्ञान मेरा स्वभाव है, इस पल इस क्षण है। भैया जो वर्तमान में पर्याय चल रही वो असत्य है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, गल जाने वाली है, विगत जाने वाली है, बिल्कुल झूठी है और बिला रही है, उस विगत स्वभाव से मेरे अविगत केवल ज्ञान स्वभाव का कोई संबंध? अविगत स्वरूप केवल ज्ञान प्रकाशवान ध्रुव चैतन में सत्ता हूं है, इतना विश्वास। अंतरात्मा की बात बताओ भगवान, अंतरात्मा की बात। कोई कोई बहुत प्रिय, कोई बहुत बिरला जीव, कोई बहुत अपनी आत्मा से प्रियता करने वाला, कोई बहुत जिनेन्द्र भगवान का कोई लघुनंदन, कोई तारण स्वामी का सच्चा शिष्य, कोई तारण स्वामी का सच्चा शिष्य, कोई मुमुक्षु जिसने अपनी आत्म अनुभूति को उत्पन्न किया हो, वो ही जीव इन जिन भगवान के वचनों को जिन वैनम जयवंतम अपने हृदय में धार पाए, जिन वैनम जयवंतम, जिन वैनम जयवंतम, जिन वैनम जयवंतम, कोई कोई बिरला जीव इन 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 दो शब्दों में आनंद ले पाएगा, जिन वैनम जयवंतम, अनंत आनंद है, अनंत आनंद है, आद्यमनादि शुद्धम, अनंत आनंद है, अनंत आनंद है, कोई विकल्प नहीं है, न कुछ और जानने का विकल्प है, न कुछ और देखने का विकल्प, सर्व भगवान ने जो कह दिया वो ही मैं हूँ। आद्यमनादि शुद्धम स्वरूप अनुभव में आ गया, बस वो ही मैं हूँ, बस इसके अलावा और मेरा कुछ कहीं भी नहीं है, इतनी विश्वास है, इतना अंतर से रोम रोम रोमांचित है, अंतर से आत्मा में इतना जागरण कि सर्वज्ञ देव ने जो कह दिया, सर्वज्ञ भगवान ने जो दिखा दिया, सर्वज्ञ भगवान ने जो बता दिया, आचार्य देव ने जो उपदेश दे दिया, वो ही मेरा स्वरूप है। इतनी अभेदता है जिन भगवान से, इतनी अभेदता है गुरुदेव से, इतनी अभेदता होगी आपकी, इतनी श्रद्धा होगी आपकी जिन भगवान के वचनों पे, इतनी अभेदता होगी अपने तारणहार सदगुरु पे, तो ही तुम्हारी आत्मा कह पाएगी कि हाँ सर्वज्ञ देव ने सदगुरु ने कहा है आद्यम अनादि शुद्धम, तो बस मैं शुद्ध ही शुद्ध हूँ, शुद्ध ही शुद्ध हूँ। आपकी दृष्टि उस अगम को गम लेगी जो कभी भी मन वचन काय से संसारी जीवों गमने में आने वाला नहीं है। आप कह दिए सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा है, आचार्य भगवान के वचनों की श्रद्धा है, जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा है, तो आपकी आत्मा अतीन्द्रिय अगम अगोचर अपने अजर अमर अविनाशी शाश्वत अतीन्द्रिय शुद्ध स्वभाव को, अपनी अंतर चेतना को, अपनी शुद्ध चेतना को गम लेगी, जिसको ये संसारी जीव मन वचन काय से संसार में भटकते हुए कभी गमने वाले नहीं है, कभी जानने वाले नहीं है, उस सत्य को वो श्रद्धा से भरा हुआ जीव, वो आत्मा के बहुमान से भरा हुआ जीव, वो हृदय से सत्य जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करने वाला जीव, वो सत्य को गम लेगा। अगम गमा जिन हो ओ स्वामी तारण देवा, वो अपने तारण तरण जिन स्वभाव को, अपने तारण तरण जिनेश्वर पद को, अपने अंतर में विद्वान अपने परम ज्योति स्वरूप परमात्म पद को वो गम लेगा, अहो 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 मेरा परम जितेंद्रिय जिन स्वभाव ही मेरे अंतर में विद्वान है, तीनों लोक का तारणहार मेरे अंदर में है, मैं तो वो तारण तरण जिनेश्वर हूँ जो लोकालोक को जानने वाला है,
ये जो अभी वर्तमान में जानने देखने में आ रहा है ये सब तो झूठ है, ये मन वचन किए हुए विचार ये तो असत्य है, ये होने वाली सल धन संपदा संपत्ति पुत्र परिवार धोखा है, ये तो सब छूटेगा, सब आयु अंत में खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा अपना मेरा परमात्मा मेरे साथ था, मेरे साथ है और मेरे साथ रहेगा आद्य अनादि। ये फिर संसार का होएगा गलियम मिलियम सब तुम्हारी दृष्टि से गल जाएगा और बिला जाएगा, जे होएगा संसार दृष्टि में है, मन में है, अज्ञान में है, अज्ञानता गलेगी, मन के अशुद्ध परिणाम गलेंगे, दृष्टि स्वभाव पे जाएगी तो दृष्टि से संसार, जो दृष्टि में संसार दिखाई दे रहा था उस दृष्टि से संसार गल जाएगा और बिला जाएगा, गलियम बिलियम सारा संसार गल जाएगा और बिला जाएगा। और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा ने जो वचन कहे हैं उस सर्वज्ञ परमात्मा जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों के अनुसार तुम्हारा जो अर्कबिंद स्वरूप जो अनंत केवल ज्ञान में स्वभाव है वो उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा बताओ, अपन कहते हैं ये भगवान महावीर स्वामी का शासन काल चल रहा है, अच्छा बताओ ये भगवान महावीर स्वामी का शासन काल चल रहा है तो इस समय उनका समोचरण है या नहीं है? बिल्कुल है, जो उनका शिष्य है, जो उनका लघुनंदन है, जैसे आचार्य तारणतरण स्वामी, आचार्य तारणतरण स्वामी के लिए सर्वज्ञ भगवान जिनेन्द्र भगवान का समोचरण पंचम काल में भी था, क्यों था? उनकी श्रद्धा में था, इसलिए तो उनकी वाणी के हर एक शब्द में जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ है उनके लिए भगवान महावीर का शासन काल अर्थात भगवान महावीर का समोषण इस काल में भी था, आज भी था, आपके लिए है या नहीं? भैया मेरे लिए भी इस समय भगवान महावीर का समोषण है, कहाँ है भगवान महावीर का समोषण? अर्कबिंद समोषण उत्पन्न जयवंत, अरे भगवान महावीर ने जिनेन्द्र प्रभु ने अर्कबिंद अर्थात जो अपने बिंद गुप्त के अवज्ञान स्वभाव को निर्विकल्प स्वभाव को कहा है वो निर्विकल्प कहा हुआ ओंकार में स्वभाव ही जिनेन्द्र भगवान महावीर स्वामी का समोषण है, वो ही उनकी दिव्य देशना है। यदि उनकी दिव्य देशना है और यदि उनकी दिव्य देशना का अनुभव है, यदि अपने निर्विकल्प बिंद स्वभाव का अनुभव है, यदि अपना निर्विकल्प बिंद स्वभाव अपनी दृष्टि में आ रहा है मैं आत्मा शुद्ध आत्मा परमात्मा हूँ ऐसा गुप्त ज्ञान स्वभाव तुम्हारे हृदय में उजागर हो रहा है तो तुम्हारे हृदय में इस समय भी भगवान महावीर का समोषण अभी जयवंत है। अर्कबिंद समोषण उत्पन्न जयवंत, उनके हृदय में समोषण की रचना होती है, बाहर का समोषण तो पुण्य का अतिशय है, वो उनका होता है जिनके हृदय के समोषण लग जाते हैं उनकी उनकी लघु गंधकुटी लगती है या उनका समोषण का रचना होती है। ये तो बाहर से देवता महोत्सव मनाएंगे, आप परमात्मा हो जाओगे तो देवता महोत्सव मनाने आएंगे, लेकिन भगवान समोचरण तो आचार्य तारण स्वामी ने कहा है ज्ञान बिंद समोचरण उत्पन्न जयवंत, ज्ञान बिंद जो अनंत केवल ज्ञान का बिंद निर्विकल्प ज्ञान जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा था, महावान महावीर ने कहा था, जो निर्विकल्प पद मेरे तारण स्वामी ने कहा था आद्य मनादि शुद्धम जो जिन मार्ग ने कहा था वो समोचरण तो आज भी जयवंत और जीवंत है। और देखो 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 उस समोचरण से तो वाणी फिर रही है, यदि वो समोषण नहीं होता तो ये वाणी नहीं होती, और ये वाणी नहीं होती तो आज मेरा निर्वाण का मार्ग कैसे बनता, आज मेरा कल्याण का मार्ग कैसे बनता, क्योंकि कल्याण का मार्ग सिर्फ समोषण से ही हो सकता है, अर्कबिंद निर्विकल्प केवल ज्ञान की दिव्यध्वनि से ही बन सकता है, बिना जिन देशना के किसी भी भव्य जीव का निर्वाण आज तक नहीं हुआ। आज तक जितने भी संसारी जीवों के कथानक पितमानियों के सुने हैं, जितने भी भव्य जीव हैं, किसी ना किसी निमित्त से जागरण हुआ, किसी ना किसी को इस केवल ज्ञान के समोषण का अर्कबिंद स्वभाव का प्रसाद अपनी होनार अपनी उपादानगत योग्यता से प्राप्त हुआ और अपने हृदय में ही अर्कबिंद समोषण का जागरण हुआ और वह भव्य आत्मा सिद्ध सिद्धम ध्रुवम सिद्ध सिद्धम हो गए।
संसार के परिणाम से छूट गए। हे तुम्हारे पास आचार्य तारण स्वामी का समोषण 550 साल पहले यही था, तारण स्वामी का समोषण भी था 550 वर्ष पूर्व पहले यही, भगवान महावीर स्वामी का भी था इसी भरत क्षेत्र में था, अभी भावलिंगी वीतरागी संत आचार्य तारण स्वामी का भी था यही था, इस धरती पे था, कुंद आचार्य का भी था, इन सब महापुरुषों के समोषण यहाँ इस धरती पे थे। देखो और आचार्य तारण स्वामी के समोषण से ये अर्घविंद ध्रुव स्वभाव की देशना उत्पन्न हो रही है। क्या तुम ऐसे अर्घविंद ध्रुव स्वभाव, अर्घविंद ममल स्वभाव, अर्घविंद अपने गुप्त स्वभाव, ऐसी अपनी अर्घविंद गुप्त स्वभाव की देशना को, अपनी गुप्त सत्ता को, अपने अंदर में विद्यमान परम शक्ति को अनुभव कर पा रहे हो कि हाँ जो जिनेन भगवान का लघुनंदन होगा उसे हृदय में प्रतीति में आ जाएगा ये देखो देखो देखो, यदि ये समोषण नहीं होता तो ये दिव्य ध्वनि मुझे प्राप्त नहीं हो सकती थी। ये उस समोषण की अनुबोधना का प्रताप है, ये उस दिव्य ध्वनि उस समोषण की अर्घविंद समोषण की दिव्य देशना का प्रसार है। यदि वो अर्घविंद समोषण नहीं होता तो ये देवध्वनि नहीं होती, और ये देवध्वनि नहीं होती तो आज भव्य जीवों का निर्माण कैसे होता, कल्याण कैसे होता। सब मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं सुनाता, ये पर्याय निमित्त तो सब संयोग है, सब महिमा तो समोषण की है, सब भगवान के वचनों की महिमा है, सब आचार भगवंतों की करुणा है जिससे ये सारा मार्ग अपने आप प्रशस्त हो रहा है। यहाँ तो एक सत्य का विश्वास है, आद्यम अनादि सिद्धाम, कुछ दिखाई दे या ना दे, कुछ मन वचन काय में चले ना चले, कुछ संयोग में अच्छा हो या बुरा हो, ये सब तो झूठी कर्म धाराएं हैं, इनसे भिन्न मेरा अर्क ध्रुव प्रकाशवान स्वभाव जयवंत है। जिन भगवान ने कहा कि मैं शुद्ध स्वरूपी सिद्ध स्वरूपी हूं तो हूं, अब कोई शल्य शंका, यदि इतनी आस्था भरी हो तुम्हारे हृदय में जिन भगवान के वचनों के प्रति, अपने सदगुरु के प्रति, अपने सदगुरु के प्रति, जिन भगवान के प्रति यदि इतनी आस्था भरी हो आपके हृदय में, इतना भगवान भरा हो आपके हृदय में, इतनी अंतर हृदय से आपकी परिणति, आपकी अंतर हृदय की परिणति यदि इतनी कोमल हो रही हो, इतना बहुमान हो आपको सर्वज्ञ परमात्मा का, आचार्य तारण देव का, उनके द्वारा दिए हुए शुद्ध जिन मार्ग का यदि बहुमान हो, आप उनको अपना गुरु मानते हो तो अपने आप वही आपको इस सत्य की सिद्धि हो जाएगी। हाँ 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 मम आत्मा गणम शुद्धाम, मैं आत्मा अनंत गुणों से सिद्ध, अद्यमनादि शुद्धाम, जिन वैणम जयवंतम, जिन भगवान का कहा हुआ इस सत्य है, मैं ऐसा अर्घविंद स्वरूप ममले ममल स्वभावी हूँ, मेरा पर पर्याय परिणाम से कोई संबंध ही, सब संसार असार सब छूट जाए, सब कसायों की दिखना, सब कसायों कर्मों का दिखना सब बंद हो जाएगा, सब आंखें बंद हो जाएंगी, कान से सुनना बंद हो जाएगा, अर्थात देख दृष्टि उपयोग इन सबको देखना, आंखों से दिख रहा है उपयोग उसे देखना बंद कर देगा, कानों से जो सुनाई दे रहा है उपयोग इसे सुनना बंद कर देगा, बाहर में जो परिणाम चल रहा है इसकी मान्यता में उपयोग उलझेगा नहीं, उपयोग जुड़ेगा ही नहीं, उपयोग तो कहेगा अहो 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 जिन वैनम जयवंतम, जिन पद आयो रे, जिन पद आयो, जिन पद आयो, जिन पद आयो, अब तो अपना वीतराग पद उदय होने का समय आया है, वीतराग पद स्वानुभव में आया है, अब तो स्वानुभूति में अपना तारण तरण जिनेश्वर पद उत्पन्न हुआ है, अब तो जिन पद आया है, अब पर पर्याय की क्या बात करें, क्या देखें, क्या कहें, अशुद्ध भाव की चर्चा क्यों करें, अशुभ अशुभ परिणमन की बात क्यों करें, अब चतुर्गति यात्रा परिभ्रमण की चर्चा क्यों करें, अब तो बाहर के क्रियाकांड आडंबर इनमें क्यों उलझे, बाहर की उलझनों में क्यों बढ़ाए, अब तो जिन पर आयो रे, अनंत खुशियां मनाओ, महोत्सव तैयार करो, गुरु माई ने कहा है महोत्सव को ना महोत्सव, काय का अपने जिन पद के उदित होने का,
महोत्सव मना, महोत्सव अपने जिनपद को उत्पन्न होने का, अर्कविंद समोषण के उदित होने का, अनंत महोत्सव मनाओ, ऐसा महोत्सव मनाओ, ऐसा महोत्सव मनाओ, ऐसा महोत्सव मनाओ, ऐसा महोत्सव मनाओ कि कभी कभी कोई शल्य, कोई चिंता और कोई विकल्प भी उत्पन्न ना हो। अनंत को महोत्सव, अनंत को महोत्सव, अनंत को महोत्सव, अनंत को महोत्सव, ऐसा महोत्सव मनाओ, ऐसा महोत्सव मनाओ। अपने आत्म स्वभाव का पद, आत्म स्वभाव का जयवंत पद, अपनी आत्म स्वभाव का जयवंत पद, अर्कविंद समोषण उत्पन्न जयवंत। कौन सा पद उत्पन्न जयवंत भैया? अर्कविंद, मेरा प्रकाशवान, अनंत प्रकाशवान, अनंत करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशित, स्वानुभव मय केवल ज्ञान सूर अर्कविंद, ऐसा निर्विकल्प विंद पद उत्पन्न जयवंत। यही जयवंत सत्ता है, ती अर्थ आयरन तीर्थंकर, ये तीर्थंकर की वाणी, ये तीर्थंकर का उपदेश है। उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, इन अर्थों में आचरण ही तीर्थंकर पद की उत्पत्ति है। उत्पन्न अर्थ मेरा ममल स्वभाव, हितकार अर्थ परम ममल मेरा ज्ञान स्वभाव, सहकार अर्थ लीन धूपता रूप जाओ समा जाओ मेरा 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 ममले ममल स्वभाव। एक ही सत्य सुनो भगवान, कल भी कहा था ना, क्या कहा था भैया आपने, कि मेरे इस स्वभाव में आचरण ही मेरा चारित्र है, यही चारित्र है बस, बाहर की होने वाली शरीर की क्रिया चारित्र नहीं है। हम तो टाइम पे खा लेते हैं, टाइम पे पी लेते हैं, टाइम पे बना लेते हैं, टाइम पे उठ जाते हैं, सदाचार में जीवन है, सदाचार में जीवन है, लेकिन हम तो कोई को छुए नहीं, छूत लगाते हैं जरा जरा में, अरे ये तो पागलपन है, पागलपन है, इसने छू दिया, इसने छू दिया, छू छू छू, पागलपन है भैया। फिर अरे अर्कविंद समोसरण, अर्कविंद समोसरण, अर्कविंद समोसरण, मेरा स्वभाव तो जयवंत है, जयवंत है, ओ जयवंत है, मेरे स्वभाव जयवंत स्वभाव में किसी पर पर्याय से कुछ संबंध ही, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा हुआ परम अतीन्द्रिय आनंद में स्वरूप ही मेरा स्वभाव है, और ये संसार की परिभ्रमणा, संसार का परिभ्रमण, ये मेरा परिभ्रमण ही नहीं है। इतनी श्रद्धा तो ये किसकी, मेरी नहीं, सर्वज्ञ श्री जिनेन्द्र देव की, आचार्य तारण तरण देव की। मेरी श्रद्धा करोगे तो मेरे संस्कार भी दिखेंगे, मेरे संस्कार भी दिखेंगे तो फिर तुम संस्कार से भी मेरी श्रद्धा को मिलाओ। इसलिए भैया तुम तो सीधे सर्वज्ञ देव की श्रद्धा करो, क्योंकि तुम संस्कारों से नहीं पिटोगे, संस्कारों से, संस्कारों से जुड़ोगे तो फिर मन के तर्क उत्पन्न होंगे। इसलिए तुम सीधे सीधे जिनेन्द्र देव की श्रद्धा करो, सीधे सीधे आचार्य तारण तरण देव की वाणी की श्रद्धा करो। वो बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं, वो चेता रहे हैं, वो उठा रहे हैं जीव को, जीव के अंदर में उत्पन्न उसकी गुप्त निधि का सहकार करा रहे हैं, ब्रह्म में उसकी अनादि अनंत सत्ता को उजागर करके हथेली पे रख के दिखा रहे हैं कि तू स्वयं भगवान है, तू स्वयं भगवान है, तेरा अनंत अर्कविंद स्वसमोसरण, अनंत तीर्थमय स्वरूप तेरे अंतर प्रकाशित हो रहा है, अनंत चतुष्टय स्वरूप सर्वांग में प्रकाशित हो रहा है, अनंत चतुष्टय में स्वरूप सर्वांग में प्रकाशित हो रहा है। क्या एकाग्रता को देख रहे हो, जो अपने में एकाग्र ही है, जो अपने में तिष्ठा हुआ है, वो अनंत ममले ममल स्वभाव अंतर में प्रकाशित हो रहा है। क्या सुनने को देख रहे हो, सुनाने को देख रहे हो, जो इन सब पर्याय परिणमन से परे है, अपने में गुप्त लीन ही है, जो इस समय शुद्ध बुद्ध रूप परिणमन कर रहा है, वो ही स्वरूप मेरा है, ऐसा हृदय से स्वीकार करो। अब भी आरी अनंत कर्म बिला जाएंगे, अनंत वादाएं बिला जाएंगी, ऐसा हृदय से स्वीकार करो। इसी पल हम समय अनंत बाधाएं मिला जाएंगी, उपयोग में पड़ने वाला अनंत कर्मों का आवरण अर्थात द्रव कर्म मिला जाएंगे, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म मिला जाएंगे,
अंतःकरण से अनंत ज्ञान सूर्य का उदय होगा। द्रव कर्म अव्यल भिला जाएगी, अशुद्ध भाव कर्म उदित नहीं होंगे, नौ कर्मों की ओर दृष्टि नहीं जाएगी, पर्याय परिणाम को देखने का भाव नहीं आएगा। अब इन सब अशुभ भाव को देखते क्यों हो, इन्हें मानते क्यों हो, इनमें उलझते क्यों हो, तुम तो पर्याय में तुम्हारा कैसा भी परिणमन हो, कोई भी शिकवा नहीं है, लेकिन मैं तो परम अतीन्द्रिय परम पारिणामी केवल ज्ञान में स्वरूप ही हूं, ये परम सत्य है, सत्य है और सत्य। इस परम सत्य से, इस परम शुद्ध सत्य से मेरी आत्मा का चेतना का कोई संबंध नहीं, इस परम शुद्ध सत्य से मेरी गुप्त आत्मा का, मेरी गुप्त चैतन्य निधि का कोई संबंध नहीं। मेरा आत्मा तो स्वयं स्वसमय शुद्ध आत्मा परमात्मा है। इतनी आस्था क्यों बार बार पूछ रहे हो? क्योंकि भैया यदि जिन वचनों की ऐसी आस्था नहीं होगी ना, ऐसी अभेद सत्ता से तुम नहीं जुड़े होगे ना, तो सब कुछ तुम्हें ऊपर ही ऊपर लगेगा। हाँ भैया बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही, ऐसा तो कहोगे तुम, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन सब ऊपर ही ऊपर बुद्धि में होगा, निर्णय में होगा। इस ये निर्णय और बुद्धि तो बहुत स्थूल है, इनका फल तो बहुत बाद में आता है, लेकिन भैया यदि एक बार हृदय से स्वीकार कर लोगे, एक बार अंतर हृदय से समर्पित परिणति से, अंतर हृदय की समर्पणता से बिछा दोगे, तो अनंत 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 शक्ति है एक समय के स्वानुभव में उत्पन्न होकर आ जाएगी, अनंत सत्य एक समय के स्वानुभव में उत्पन्न होकर आ जाएगी। भैया अनंत चर्चा एक तरफ और एक समय का स्वानुभव एक तरफ, एक समय का विश्वास अंतर से उमड़ता हुआ श्रद्धान ही अनुभव है, एक समय का अंदर का उत्पन्न होता हुआ श्रद्धान, एक समय का अंदर से उत्पन्न होता हुआ ज्ञान, उसकी महिमा अपरंपार है, अनादि और अनंत है, अनादि और अनंत। एक समय की हृदय की होने वाली स्वीकारता उसकी सामर्थ्य अनंत कर्मों को क्षय करने की है, अनंत कर्मों को क्षय करने की है। अनंत कर्म क्षण में मिट जाएंगे चेतन, अनंत कर्म क्षण में मिट जाएंगे, अनंत कर्म क्षण में छीण हो जाएंगे। एक बार अपने अक्षय अक्षण ब्रह्म स्वरूपी आदि अनंत ध्रुव स्वभाव की ओर देख तो अनंत संसार, अनंत माया, अनंत मोह एक पल में गल जाएगा। एक बार अपने शाश्वत स्वभाव की ओर दृष्टि तो कर, एक बार अपने शाश्वत परम पारिणामिक अविनाशी ध्रुव चैतन्यमय स्वभाव को अपनी दृष्टि में निहार तो क्या देखने में लगा, इसने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं करता, ये नहीं खाया, वो नहीं पिया, ये नहीं बनाया, ये नहीं रखा, क्या असत्य चुराचरण अंगूर रासवन कसायों को देखने में लगा हुआ है, क्या लाभ हो गया, क्या हानि हो गई, दुकान चली नहीं चली, मकान बना नहीं बना, अरे क्या संसार की माया में उलझा चेतन। एक समय के लिए भी यदि दृष्टि अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव की ओर जाएगी तो ये सारे भाव विभाव क्षय हो जाएंगे और तेरी चेतना जागृत हो जाएगी, अंतरात्मा से ललकार उठेगी कि मैं तो त्रिकाल शुद्ध निरावरण चैतन्यमयी परमात्मा ही, मेरा किसी पर्याय परिणमन से कोई संबंध ही नहीं। अंतरात्मा कहेगी भगवान, अंतर हृदय से दिव्य ध्वनि खिलेगी, अर्कविंद पद उत्पन्न जयवन, अर्कविंद स्वभाव अंतर हृदय से उत्पन्न हो जाएगा, अर्कविंद मेरा ममल स्वभाव अंतर से उत्पन्न हो जाएगा, और जब अंतर से इसे अर्कविंद स्वभाव का उदय होगा तब मचेगी तीनों लोकों में जय जयकार, जय हो जय हो जय हो, मेरे स्वानुभव गम में चैतन्य अविनाशी ध्रुव स्वभाव की, तब मचेगी जय जयकार, तब होगी जय जयकार, जब ऐसी जय जयकार होगी, ऐसी जय जयकार होगी कि जिस चैतन्य चमत्कार के आगे सारा पर्याय परिणमन स्वयं गल जाएगा।
और फिर कहीं कुछ भी नहीं रहेगा, 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 अब सब गल जाएगा, सब गल जाएगा, सब गल जाएगा, सब गल जाएगा। है इतनी महिमा, भगवान सही कह रहे हैं, तुम 1 करोड़ व्रत कर लो, लेकिन स्वभाव की यदि दृष्टि नहीं है निगोच जाएगी यार। तुम एक भी व्रत मत करो, संयम से रहो मात्र, एक भी व्रत मत करो, लेकिन लेकिन स्वभाव की दृष्टि जाएगी तो सारे व्रत जीवन में अपने आप आ जाएंगे, और व्रत से परे अपनी आत्मा की जो वृत्ति है वो अतीन्द्रिय आनंद की रमणता प्रकट हो जाएगी। तो भगवान अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय आनंद की रमणता की प्रकटता का होना ही मुक्ति का मार्ग है। इंद्रियों से होने वाली क्रियाएं से, इंद्रियों से होने वाले व्रतों से किसी को मोक्ष नहीं हुआ। जितने भी सिद्ध भगवान हुए हैं सब अतीन्द्रिय के विलास से ही हुए, जितने भी परमात्मा हुए हैं वे सब अतीन्द्रिय के विलास से हुए हैं। इंद्री से, इंद्री भोग विलास से आज तक कोई भगवान नहीं हुआ। इंद्री भोग विलास तो बिला जाएगा, गलियम विलियम, गलियम विलियम, गलियम विलियम, इंद्री में परिणमन तो बिला जाएगा। अरे अरियंत दशा तक बिला जाती है, शाश्वत तो सिद्ध है, सिद्ध स्वभाव। अरियंत दशा तक बिला जाती है, साधु दशा तक बिला जाती है, लेकिन शुद्ध उपयोग की रमणता कभी नहीं बिलाती। अपने चेतन स्वभाव की रमणता कभी नहीं बिलाती, अपने ज्ञान स्वभाव की रमणता कभी नहीं बिलाती। अरे भगवान जब साधु पद भी बिला जाता है, देख लो साधु पद, साधु जो दशा आएगी ना वो भी चली जाएगी, व्रति श्रावक की जो दशा आएगी वो भी चली जाएगी। अरे तुम साक्षात अर्यंत सर्वज्ञ परमात्मा हो जाओगे, जिनेन्द्र तेरे समुषण भी लग जाएगा तुम्हारा, केवल ज्ञान होने से जो संयोगी 10 प्राण रहेंगे ना, संयोगी वाले, वो 10 प्राण भी बिला जाएंगे। जो आयु नाम गोत्र कर्म जो शेष बचेंगे ना, परम औदारिक शरीर वाले, वो भी मिला जाएंगे। रहेगा तो अनंत दर्शन ज्ञान, अनंत वीर। अरे रहेगा तो इस समय जो तुम्हें सुख सत्ता चैतन्य बोधमयी जो तुम्हें चतुष्टय प्राण जागृत हुए ना, अनंत स्वभाव, बस वो ही रहेगा, इसके अलावा सब कुछ। भैया सही सही बताओ, जब इसके अलावा सब कुछ चला जाएगा तो तुम फालतू उलझे कहाँ हो? कहाँ घर परिवार में अपने दिमाग खराब कर रहे हो? अपने आद्यम अनादि शुद्धम के आनंद में रहो, जिन भगवान के वचनों के आनंद में रहो, दिव्य देशना के आनंद में रहो, सुख स्वभावित तिंकोत्कीर्ण गायक में, परम मतीन्द्रिय आनंद में, मेरी स्वसत्ता मेरे रोम रोम में बिलस रही है, रोम रोम में बिलस रही है, रोम रोम में बिलस रही है, मेरी आत्मा सर्वत्र शुद्ध परेशी परमात्मा ही है, ऐसे जिन्हें भगवान के वचन है। अब अपने आप यदि मन बोल ही ना पाए उसके पहले कह दो कि ऐसे ही जिन्हें भगवान के वचन है, मन कैसे बोलेगा कि क्या कह रहा है तुम, हमें तो अनुभव नहीं हो रहा, कह ही नहीं पाएगा। कह दो तुरंत, लगे हाथ कह दो कि अनंत चतुष्टय में ऐसा मेरा स्वभाव बिलस रहा है, और वो कह ही ना पाए उसके पहले कह दो कि ऐसे जिन वचन जयवंत है, वो शंका कर ही ना पाए, वो कुशंका कर ही ना पाए, वो अपना तर्क कर ही ना पाए, वो अपनी मनमानी कह ही ना पाए, उसके मुंह से आवाज निकल ही ना पाए, उसके पहले उसका मुंह बंद कर दो। जिन भगवान ने कहा है सत्य द्रव्य और प्रमाण, मैं तो स्वीकार करके बैठा हूं, मैं तो हृदय समर्पित करके बैठा हूं, मैं तो आत्मा को बिछा के बैठा हूं, मैं तो रोम रोम से रोमांचित अपने आत्मा को, अपने हृदय को समर्पित करके बैठा हूं। जिन भगवान के वचन तो जयवंत है, मुझे पर्याय परिणमन प्रभाव से कुछ लेना देना हे तो भगवान, खोपड़ी कह ना पाए, विकल्प अंदर प्रवेश ना कर पाए, इसके पहले जिन भगवान के वचनों का संकनाद हो जाए, जिन वैनम जयवंत, इसके पहले अपना हृदय समर्पित हो जाए आचार्य भगवान के प्रति, इसके पहले अपनी परिणति बिज बिज निछावर हो जाए अपने ध्रुव प्रकाली के प्रति,
फिर होने दो परिणमन कैसा हो रहा है। अरे परिणमन तो चक्रवर्ती जैसा भी हो सकता है, अर्जुन जैसा भी हो सकता है, परिणमन तो अतारण स्वामी जैसा भी हो सकता है, परिणमन तो परिणमन में कहीं भी कैसे ही हो सकता है, परिणमन की कोई बात नहीं। अरे लेकिन आचार्य तारण स्वामी ने जो परिणमन से परे परम सत्य को कहा है, तुम्हें यदि उनकी श्रद्धा है उस परम सत्य को उस श्रद्धा से पी के बताओ। हाँ 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 आद्य मनादि जिन वचन जयवंत हो, जिन वचन जयवंत हो, जिन वचन जयवंत हो, और जिन वचन ही जयवंत हो, जिन भगवान के वचनों के अलावा और कहीं कुछ भी। भगवान हृदय से कह दो एक बार, कोमल आत्मा से हृदय से कह दो एक बार। तुम ऐसा हृदय से कह दोगे ना तो एक बार में स्वानुभूति हो जाएगी, उसके बाद कभी तुमसे हम नहीं कहेंगे मोक्ष में मार्ग में चलना। एक बार की स्वीकारता में ही सम्यक का अंकुरण हो जाएगा, और एक बार सम्यक को ये जीव भूल से भी स्वीकार कर ले तो फिर इस आत्मा को वो निर्वाण लिए ले जाए बिना छोड़ने वाला फिर वो छोड़ने वाला नहीं है। एक बार अंतर हृदय से स्वीकार कर लो, यदि तुमने एक बार भी स्वीकार किया तो ये सत्य तुम्हें निर्वाण को ले जाए बिना छोड़ने वाला नहीं है। और यदि बार बार स्वीकार करोगे तो मुक्ति गमनम न संचय, तुम्हारा मोक्ष का मार्ग अभी निशंक रूप से चल रहा है। बिल्कुल निशंकित रहो, बिल्कुल निर्भय रहो, बिल्कुल निशंकित रहो, बिल्कुल निर्भय रहो, और आम ब्रह्मास्मि सिद्धों की गर्जना लगाओ। तुम्हारा नाम मार्ग निर्दोष है, तुम्हारा मोक्ष मार्ग निर्दोष है, तुम्हारा मोक्ष मार्ग निर्दोष है, तुम्हारा मोक्ष मार्ग निर्द्वंद है, निर्द्वंदता से निर्विकलता से तुम्हारा मोक्ष मार्ग चल रहा है। बिल्कुल निर्भय रहो, बिल्कुल निर्भय रहो, निशंक रहो, हो निशंक, निशंक शंक रहियो। नए स्वभाव नव डिट्ठम, नवीन शंकाएं उत्पन्न होती उनको मत देखना। मन कुछ भी कहे मत देखना, कर्म कुछ भी कहे मत देखना, पर्याय कुछ भी कहे मत देखना। जिन भगवान जो कहें बस वही देखो, नियम ही ले लो। घर वाले जो कहेंगे नहीं सुनेंगे, बहू जो कहेगी नहीं सुनेंगे, साथ जो कहेगी नहीं सुनेंगे, दुकान वाले जो कहेंगे नहीं सुनेंगे, परिवार वाले जो कहेंगे नहीं सुनेंगे। जब नहीं सुनोगे तो राग द्वेष ही नहीं होगा, तो ये फिर किसकी सुनोगे? दिन भर फालतू बैठा होगा क्या? नहीं, सुबह से लेकर शाम तक सर्व भगवान की वाणी सुनेंगे, अर्थात उनके वचनों को हृदय में धारण करेंगे, तो फिर ना राग होगा ना देश होगा। मुक्ति 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 विलसाई, नाम धरे मेरो काजा। भैया यदि ऐसा मार्ग पसंद हो चलो 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 चलो, जिन भर परमात्मा बुला रहे, सिद्ध परमात्मा बुला रहे, गुरुदेव आमंत्रण दे रहे हैं, चलो चलो ना मुक्ति श्री तुम ध्यान से आए। पसंद हो तो चलो, तो नहीं हो तो भैया कोशिश करो पसंद आ जाए, क्योंकि सुख यही है, शांति यही है, आनंद यही है। और यदि इस मार्ग को भूले तो दुखों के पहाड़ तुम्हारी आत्मा को सहन करने पड़ेंगे, अनंत दुखों को तुम्हें सहन करना पड़ेगा। थोड़े समय का अहंकार, थोड़े समय की कसाय, थोड़े समय का मान, थोड़े समय का अपमान, थोड़े समय का इंद्रियों का रस अनंत काल तक संसार में दुख भोगने वाला है, अनंत काल तक दुख को भुगाने वाला, भुगताने वाला है। इसलिए अनंत काल तक दुख ना भोगना पड़े चेतन, इसलिए अपने आत्म स्वभाव की जागृति करो। यही सर्व परमात्मा का हम समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र मंगलमय उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रबल सदगुरु तारण तरमिलाचार्य जी महाराज की। चैतन्यमयी भगवान आत्मा की जय।